हेलो फ्रेंड्स, मैं विश्व प्रकाश आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मेरे चैनल ऑल फ्लावर गार्डनिंग में। तो आज हम बात करेंगे येलो रोज़ यानी इंग्लिश रोज़ के बारे में। तो अगर आपको देसी रोज़ पर भी कोई वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर दें, बट पर्टिकुलरली मैंने ये वीडियो इंग्लिश रोज़ पर ही बनाया है। तो अब हम बात करते हैं इसके फ्लावरिंग की। तो इंग्लिश रोज़ बहुत फ्लावरिंग करता है और हम इस वीडियो में इसकी फुल केयरिंग की बात करेंगे। तो अब आप पूछेंगे कि ये मेरा आधा फूल कैसे है? तो मेरे यहाँ एक डॉगी है, देखिए ये फूल आधा सूख भी गया है, और एक डॉगी है जो कि फूल को काट देता है। तो डोंट वरी, ये कोई डिजीज़ नहीं है इसकी, ये ऐसे ही खिला था पूरा, बहुत सुंदर खिला था, फिर सूख के आधा गिरा और आधा डॉगी ने खा ली। तो अब देख सकते हैं आप इसमें कितनी सारी सूट्स आई हैं, इधर भी सूट्स और नीचे के साइड से भी सूट्स आ रही हैं। तो अब मैं ये अभी मेरे यहाँ टेम्परेचर 38 डिग्री तक चला जाता है तब भी इतनी अच्छी ग्रोथ कर रहा है। तो अब आप पूछेंगे ये कैसे कर रहा है? तो अब हम इस वीडियो में इसकी फुल केयरिंग की बात करेंगे। तो मैंने इसमें कौन से खाद दी। तो पहले बात करते हैं हम इसको खाद देने की। तो हमें पहले इसकी टॉप सॉइल हटा लेनी है कम से कम एक डेढ़ इंच तक हम इसकी टॉप सॉइल हटा लेंगे। देखिए जैसे मैं हटा रहा हूँ, देखिए फ्रेंड्स, तो हमने अपनी पॉट की टॉप सॉइल हटा दी और सॉइल को एकदम, मतलब हमारे पॉट को एकदम क्लीन कर दिया। तो अब हम इसमें फर्टिलाइज़र यूज़ करेंगे। तो ये वीडियो में पर्टिकुलरली फर्टिलाइज़र यूज़ करने पे ही बना रहा हूँ। तो आपको अगर पॉटिंग पे या फिर इसकी सॉइल मीडिया पर भी कोई वीडियो चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं, केयरिंग पे। तो अब हम इसमें कौन सा फर्टिलाइज़र यूज़ करें? तो ये है मेरे पास बोन मील और ये वर्मी कंपोस्ट। तो अब हम इन दोनों का मिक्सचर इसमें यूज़ करेंगे। तो देखिए क्या, और ये है मेरे पास टी कंपोस्ट, क्योंकि रोज़ को एसिडिक सॉइल पसंद है तो हम इसमें टी कंपोस्ट भी यूज़ करेंगे। तो अब मैं बताता हूँ हम कैसे यूज़ करेंगे। तो देखिए, हमने बोन मील, टी कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट का मिक्सचर बना लिया है। तो अब हम इसे अपने पॉट में अप्लाई करेंगे। तो देखिए हमें इसे कैसे अपने पॉट में अप्लाई करना है। इसे हमें एकदम अच्छे से बिछा लेनी है, मतलब एक बार में सारा डाल दें और इसे अच्छे से बिछा दें। आपको जैसे वर्मी कंपोस्ट अगर आप 2 टेबल स्पून ले रहे हैं तो आपको बोन मील 1 टेबल स्पून लेना है। अगर आप जिस भी मेजरिंग टीस्पून या टेबल स्पून से काम कर रहे हैं तो आपका उसका वर्मी कंपोस्ट का आधा आपको बोन मील लेना है। तो इस काम में आपको एकदम ध्यान रखना है, क्योंकि इंग्लिश गुलाब की कांटे बहुत नुकीले होती हैं तो ये आपके हाथ में चुभ भी सकती हैं। और टी, जहाँ तक बात है टी कंपोस्ट की, तो वो आपको 1 टेबल स्पून से कम नहीं लेना है। तो मतलब जैसा भी आप यूज़ करें इसमें आपको 1 टेबल स्पून लेना ही है। तो अब इसके हमने पॉट को भर लिया है, अब हम इसमें थोड़ा सा ऊपर से गार्डन सॉइल डाल देते हैं। थोड़ा ही सा डालेंगे बस, मतलब थोड़ा सा एकदम हल्का हल्का बस कवर करेंगे, दिखेगा भी एकदम हल्का सा हो गया। अब हम इसमें वाटरिंग करेंगे। तो अब हम इसमें वाटरिंग करेंगे तो हमें हल्के हल्के हाथों से चारों तरफ फैला के वाटरिंग कर देनी है। देखिए हमें इस पर अच्छे से वाटरिंग करनी है, देखिए, और थोड़ी ही देर में ये पूरा पानी ये प्लांट ऑब्जर्व कर लेगा। तो अब मैं आपको अपने और रोज़ के प्लांट्स दिखाता हूँ, अगर आपको उन पर भी वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वेट, ये है मेरे और इधर मैंने रोज़ के प्लांट लगाए हैं। तो ये येलो रोज़ है और ये ऑरेंज रोज़ है। तो देखिए ऑरेंज रोज़ के पत्ते झुलस रहे हैं। तो अगर आप कोई इस पर भी मैंने इसकी कोई करूँगा, मतलब इसके भी कोई केयरिंग करूँगा। देखिए मैंने इसमें भी वही मिक्सचर यूज़ किया, और ये मेरा देसी गुलाब है तो इसमें भी नई नई सूट्स आ रही हैं। इस पर भी अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर दें। और यहाँ के गुलाब के पत्ते झुलस रहे हैं, तो अगर आपको इस पर भी वीडियो चाहिए पत्ते झुलते से कैसे बचाएं, तो वो भी मैं बनाऊंगा। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसा लगा और कौन से प्लांट के ऊपर आपको वीडियो चाहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।